We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1। अब कहीं से थोड़ा आपने पलक पटेल, हम वर्किंग इन अ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नवसारी। एक सेकंड, ओके, इन सिविल डिपार्टमेंट। तो बहुत बार ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों। मैं ये पूछता हूँ भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर फील्ड में क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है, ये आसान है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं जानते हो तो आप इंडियन सिटीजन कहलाने के लायक नहीं हो? कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, कब हमने उसे एक्सेप्ट किया, इसमें जो आर्टिकल डाले गए वो आर्टिकल कहाँ से लिए गए, उसे किस तरह बनाया गया, अपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें पता नहीं हो तो आप इंडियन सिटीजन से किस बात के कहलाते हो आप लोग? तो बस आप बेसिक नॉलेज तो रखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों है, किस तरह बनाया गया है, या इस पर कितने आर्टिकल्स हैं। तो उस हिसाब से आज आप स्टार्ट करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, प्रीएम्बल और सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये 3 टॉपिक हम इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो पहला है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1950 में, वो उसका 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ये 22 पार्ट्स क्या है कि मतलब यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, म्यूनसिपालिटी, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन आफ्टर सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, इस तरह के 22 पार्ट्स हैं। और उस 22 पार्ट्स में 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स थे जब फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। और उसके अंदर 8 शेड्यूल थे। अब 8 शेड्यूल के अंदर क्या आता है, आपके ऑफिशियल लैंग्वेज या उसके बाद स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, इस तरह के लिस्ट इसके अंदर है। अब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, उसके बाद जो आज की कंडीशन है तो उसमें 25 पार्ट्स है। मतलब 22 पार्ट्स में से 25 पार्ट्स हो गए, 395 आर्टिकल्स में से 448 आर्टिकल्स हो गए। मतलब कुछ अमेंड किए गए, कुछ निकाले गए या कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया गया, उसी अलग जगह पे डाला गया या उसे किसी और मेथड के मतलब कुछ चेंजेस करके उस आर्टिकल को वापस इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो होता है 448 आर्टिकल से और 12 शेड्यूल हो गए। तो ये स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर इस पार्ट के, पूरे लिस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं पूरे पार्ट का वो टेबल्स आपको बना के दे दूंगा, सिंपल आपको बस उसे याद करना है। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा टेबल, मतलब 25 पार्ट्स को मैं पूरे एक डिफाइन कर एक टेबल बना के आपको दे दूंगा। आर्टिकल्स का टेबल नहीं बन सकता, ये पार्ट्स और शेड्यूल का एक टेबल बना के मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम दे दूंगा। अब यहाँ एक थोड़े बेसिक फैक्ट है, थोड़े से बेसिक फैक्ट है यहाँ, ये देखिए 1950 में बना था लेकिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था
19 सॉरी 46 नहीं सॉरी सॉरी 1946 47 में इस टाइम पे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था। मतलब इसके ऊपर डिबेट स्टार्ट हुई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, कहाँ से लाने चाहिए। तो उस पर 1947 में एक कमेटी बनाई गई, एक पार्लियामेंट बनाई गई जिसपे जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1947 में बनाई गई थी। अब यहाँ ध्यान दीजिए 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। कब से स्टार्ट हुआ? 26-27 से, और 1949 में पूरा कंप्लीट हुआ। मतलब पूरे अप्रोक्सीमेटली 2 साल लगे हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। लेकिन हमने इसे एडॉप्ट कब कब किया? 26 जनवरी 1950। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 3 महीने बाद हमने 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया। अब हम इसे कौन सा डे एज्यूम करते हैं? मतलब रिपब्लिक डे के दिन में मनाते हैं 26 जनवरी को, हम रिपब्लिक डे के सेंस में हम उसे एंजॉय करते हैं, उसे हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ? मतलब हमने 26 नवंबर 1949 को बना दिया, उसे पार्लियामेंट असेंबली में पास भी हो गया, लेकिन हमने उसे 26 जनवरी 1950 को एक्शन में लाया। ऐसा क्या हुआ था? बहुत ही सिंपल टर्म है कि 26 जनवरी ये हिस्ट्री का पार्ट है, ज़्यादा डिटेल मत जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ी बहुत डेट याद रखिए, क्योंकि कई बार हो सकता है एग्ज़ाम में आपको पूछ लिया जाए कि कौन सी डेट को एक्सेप्ट किया गया, कब बनाया गया, उसे रिपब्लिक डे क्यों कहा जाता है, उसी दिन को क्यों एक्सेप्ट किया गया, तो वो भी है। अब 26 जनवरी 1930 को एक लाहौर सेशन हुआ था, पंजाब में लाहौर के अंदर एक मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग थी। हमारे जो कांग्रेस थे या मुस्लिम लीग थी या दूसरी जो पार्टीज थी, उस पार्टीज की मीटिंग हुई थी 26 जनवरी 1930 को। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू और दूसरे जो हमारे लीडर्स थे, उस लीडर ने कहा कि हम 26 जनवरी 1930 को इंडिया का इंडिपेंडेंट डे डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब उस वक्त ऐसे ही बोल दिया उन लोगों ने कि 26 जनवरी 1930 इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होगा। समझ में आया? लेकिन हमारा इंडिपेंडेंस डे कब आया? पंद्रह अगस्त 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस डे आया। मतलब ये जो 26 जनवरी जो हमने अनाउंस किया था वो तो एक्सेप्टेबल भी नहीं रहा था हमारा, मतलब वो एक्सेप्ट भी नहीं हुआ। तो इस डे को 26 जनवरी 1930 को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, मतलब हाईलाइट करने के लिए, हमने उस दिन को मतलब 3 महीने वेट करके 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया और हमने उसे नाम दिया रिपब्लिक डे। तो अब समझ में, हम 26 जनवरी 1930 को रिपब्लिक डे क्यों मनाते?
क्योंकि लाहौर सेशन में अनाउंस हुआ था कि 26 जनवरी हमारा इंडिपेंडेंट डे होगा, इंडिया का इंडिपेंडेंट डे होगा 26 जनवरी 1930। लेकिन हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को। अब इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए कि उस दिन कुछ खास अनाउंस किया गया था हमारी हमारे जो लीडर्स थे उन लोगों ने, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों ने, तो उन लोगों ने क्या किया कि 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसे एक्सेप्ट किया 26 जनवरी 1950 को, और उसे हम एंजॉय करते हैं रिपब्लिक डे के द्वारा। ओके, सिंपल है, बहुत आसान, बस आपको बस याद रखना है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझो कि हम 1950 को इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं। ओके, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल। अब ये प्रीएम्बल क्या है, तो प्रीएम्बल को हमारे इंट्रोड्यूस करवाया था, प्रीएम्बल को हमारे लीडर, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू जी ने कहा था कि हमें एक प्रीएम्बल बना रहे, एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा उसकी पूरी डिटेल होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका आइडिया दिया था, प्रीएम्बल का आइडिया, कि हम ऐसा एक प्रेफरेंस, एक छोटा सा एक पेज में कुछ ऐसे वर्ड्स लिख दें जिसकी वजह से हमें पता चले कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किन चीज़ों पे बेस्ड है। आइडिया दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन ये प्रीएम्बल एक्ट उठाया गया था, हमारा जो सोर्स था कि कहाँ से लिया गया वो था यूएसए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने JAL, आप समझ जाना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रीएम्बल का आइडिया दिया था और उसे एक्सेप्ट किया गया, हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये प्रीएम्बल का आइडिया लिया था। ओके, तो हम ये प्रीएम्बल, यहाँ जो ये पूरा ही प्रीएम्बल लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये एज इट इज लिखा हुआ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कोई वर्ड चेंज नहीं है इसके अंदर। ओके, तो हम रीड कर रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहली बात है कि हम इंडियन पीपल है, हैविंग द सोलेमनी रिसॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सेक्युलर टू द ऑल सिटीजन। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। मतलब इस वर्ड को डिफाइन किया गया, मतलब पूरा इस वर्ड का पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी गई है, बस ये छोटे छोटे वर्ड्स लिखे गए कि मतलब हमारे, मुझे अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करना है, तो मैं बोल सकता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, लेकिन उसके बाद किया गया कि सिटीजन को क्या दिया गया, सिटीजन को जस्टिस दिया गया, कौन से जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस दिए गया है, और लिबर्टी दी गई, मतलब आज़ादी दी गई है, थॉट्स की आज़ादी, विचारों की आज़ादी, अपने एक्सप्रेशन की आज़ादी, अपने बिलीव करने की आज़ादी, अपनी फेथ की आज़ादी, क्यों वार्तिक, मतलब किसी की पूजा करने की आज़ादी हम सिटीजन को दी हुई है, हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ दी गई है। उसके बाद इक्वालिटी दी गई है, स्टेटस की इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी, और ये प्रमोट अमोंग देम ऑल, मतलब सबको एक सर की इक्वालिटी दी गई है, हमारे एक समान इक्वालिटी दी गई है, हम सब एक लेवल पे है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वालिटी दी गई है, मतलब हम पूरे इंडियन सिटीजन जो है वो सब एक लेवल पे, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सब सिटीजन एक लेवल पे है। जो डिस्क्रिप, मतलब ये इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेशन के लेवल पे, मतलब
प्रेसिडेंट को मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा है, इस तरह की बात नहीं की गई है। यहाँ कास्ट के बेस पे बात की गई है, रिलीजन के बेस पे बात की गई है। मतलब हमारे लिए सभी रिलीजन एक समान है, सभी कास्ट के लोग एक समान है, इस तरह की इक्वालिटी दी गई है। नेक्स्ट है फर्टिनिटी, मतलब एंश्योरेटेड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब हम इंडिविजुअल की डिग्निटी, मतलब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज नहीं कर रहे। फर्टिनिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इंडिविजुअल और यूनिटी, यूनिटी मतलब कोई एनजीओ है या कोई ऐसा यूनिट है जो जिसे हम डिग्निटी रिस्पेक्ट देते हैं, जिसे हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो जैसा भी हो कैसा भी हो, मतलब जो भी वो करता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे डिग्निटी दे रहे हैं, उसे हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ लिखी गई है। और ये सारी चीज़ हम इंडियन लेवल पे ले, मतलब नेशनल लेवल पे ले दे रहे हैं। फर्टिलिटी की बात की गई, ये सब समझ में आ रहा है। देखिए हम बाद में पूरे डिटेल में करके, बस आप एक बार ये पूरी तरह से रीड कर लीजिए। ये प्रीएम्बल वैसा ही लिखा गया है जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, सिर्फ एक सिंगल पेज पे ये सारी चीज़ें लिखी गई है। अब सिंगल पेज पे लिखना है, मतलब आप सोचिए 448 आर्टिकल से, इस 448 आर्टिकल का हम एक सिंपल एक पेज में लिख रहे हैं तो कितनी बात आएगी। मतलब वैसे छोटी छोटी वर्ड्स के मुताबिक उसे लिखा गया है। उसके बाद लिया गया अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कहा गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये अनाउंसमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरफ से कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 डे, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर रहे, इनेक्ट कर रहे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को गिव टू अवर सेल्फ, मतलब बनाने वाले भी इंडियंस थे और उसे एक्सेप्ट एडॉप्ट करने वाले भी इंडियन ही है। समझ में आया? बाबा भीमराव अंबेडकर या वो जो भी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो भी इंडियन थे, मतलब वो बनाने वाले भी इंडियन थे, एडॉप्ट करने वाले भी इंडियन है। तो क्या लिखा है, गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फर्टिनिटी है। ये सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम इसे एडॉप्ट कर रहे हैं और अपने आप को दे रहे हैं, गिव टू अवर सेल्फ। समझ में आ रहा है? सिंपल है, आसानी से आपको बस ये रीड करना है। आपको इस सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, मतलब ये पूरा प्रीएम्बल रीड नहीं करना है, बस ये प्रीएम्बल आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि क्या लिखा गया है, किस तरह से लिखा गया है। ओके, यहाँ देखिए 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया था, लेकिन हम एक्शन में कब लाए, 26 जनवरी 1950। मैंने आगे ही ये बात कर ली। अब हम ये जो हमने सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक इन सब की बात की, अब हम इस वर्ड को समझते हैं कि ये वर्ड क्या है। पहला है सॉवरेन। सॉवरेन का वर्ड क्या है कि वी आर अवर ओन रूलर, मतलब हम खुद पे रूल कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम इंडियन है, इंडियन के ऊपर रूल करने वाला भी इंडियन ही है, कोई बाहर का कोई नहीं है। हम अपनी पॉलिसी खुद बनाते हैं, हमारी खुद की अथॉरिटी है, हम इंडिपेंडेंट है, हम ऐसे स्टेट नहीं है कि जिसके ऊपर हमने प्रेसिडेंट हमारा है और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई दूसरा नहीं है। और प्रेसिडेंट भी कौन बनता है, जो इंडियन है। प्रेसिडेंट का फर्स्ट रूल दिया गया है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए फर्स्ट जो रूल दिया गया है वो ये दिया गया है कि वो इंडियन सिटीजन होगा। फर्स्ट रूल है, फर्स्ट जो उनके लिए कंपल्सरी है, मतलब कोई बाहर का ब्रिटिशर्स आके या कोई किसी दूसरे देश का आके ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। नहीं, आपको पहले इंडियन सिटीजन बनना होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हम इंडियन है,
और हम इंडियन के ऊपर रूल कर रहे हैं, वो भी इंडियन है, कोई ब्रिटिशर्स नहीं है, कोई क्राउन नहीं है, कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है, कोई यूएसए नहीं है, कोई चाइना नहीं है, कोई नहीं है, हम इंडियन है और हमारे ऊपर रूल करने वाले भी इंडियन है, मतलब हम खुद के रूलर है। समझ में आया? नेक्स्ट है सोशलिस्ट। अब ये सोशलिस्ट क्या है कि ये सोशलिस्ट एडिट किया था 42nd अमेंडमेंट 1976 को, मतलब जब फर्स्ट टाइम प्रीएम्बल बनाया गया था उसमें सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, उसमें सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, वो 1976 में 42nd अमेंडमेंट जब किया गया, मतलब अमेंडमेंट मतलब ऐड करना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो अमेंड करते हैं, कोई रूल्स लाते हैं, कोई जैसे कि अभी हाल ही में CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो दिल्ली में बहुत सारे दंग वो हल्ला गुल्ला हुआ, वो पूरे देश आसाम में बहुत प्रॉब्लम हुई CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ अमेंडमेंट का मतलब होता है हम उसे ऐड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ नहीं थी तो हम उसे ऐड कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं अमेंडमेंट। मतलब ये सोशलिस्ट 42nd अमेंडमेंट 1976 को ऐड किया गया। अब ये सोशलिस्ट क्या है? स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कौन से होते हैं, मतलब हमारे स्टेट में जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का मतलब होता है गुड्स और ह्यूमन रिसोर्सेज। अब गुड्स की बात कर रहे हो तो गुड्स में क्या आता है, कोल आता है, हमारी एनर्जीज आती है, हमारे जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है वो सारे रिसोर्सेज में आते हैं, हमारे ह्यूमन जो है मतलब वर्कर है वो भी रिसोर्सेज में आते हैं, वो सारे रिसोर्सेज स्टेट ओन है। स्टेट का मतलब होता है इंडियन गवर्नमेंट, ये सारी प्रोडक्ट इंडियन गवर्नमेंट की है, ऑल द प्रोडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब इंडिया जो एनर्जी जनरेट करे वो किसी देश की नहीं, वो हमारी है। इंडिया के जो मिनरल्स निकल रहे हैं, मतलब जो एल्यूमिनियम निकल रहा है, जो आयरन निकल रहा है, या जो कोल निकल रहा है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकल रहे हैं, वो इंडियंस की है, वो हमारी है, वो किसी दूसरे स्टेट की या किसी दूसरे देश की नहीं है, ये कहा सोशलिस्ट में। और सोशलिस्ट में एक और बात भी है, नेशनलाइज द सेक्टर वेन एवर रिक्वायर्ड, नेशनलाइज द सेक्टर वेन एवर रिक्वायर्ड। नेशनलाइज मतलब जो कोई प्राइवेट कंपनी हो, या यूं सोच लो आपकी SBI बैंक आज हम कहते हैं गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन जब फर्स्ट SBI बनी थी वो गवर्नमेंट नहीं थी, वो प्राइवेट थी, उसके बाद उसे प्राइवेट कर दिया गया, मतलब सॉरी उसे गवर्नमेंट कर दिया, मतलब पब्लिकली कर दिया गया, उसे गवर्नमेंट ने खरीद लिया, कि बोल दिया कि अच्छा ये अब SBI बैंक है, ये हमारी है, हम इसे हैंडल करेंगे। मतलब नेशनलाइज करना मतलब किसी प्राइवेट कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट ने एडॉप्ट कर लेना, मतलब उसे खरीद लेना कि हाँ ये मेरी कंपनी है। जैसे अभी हाल ही में एयर इंडिया है, एयर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट की है, लेकिन अब वो प्राइवेटाइज हो रही है, मतलब वो नेशनलाइज से बाहर निकलकर प्राइवेट कंपनी में जा रही है। अगर ये अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कहे कि स्पाइस या ऐसी जो एयर इंडिया है मगर दूसरी जो एयरलाइंस है उस एयरलाइंस को इंडिया कहे कि चलो इसे नेशनलाइज करते हैं, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी, मतलब उसके सारे एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब के होगी, उसके सारे प्लेन इंडियन गवर्नमेंट के हो जाएंगे, उसकी जो भी रूल्स और रेगुलेशन जो भी टिकट चार्जेस होंगे वो सारे इंडियन गवर्नमेंट लेगी, उसके अंदर प्लेन में जा कौन सा खाना मिलेगा क्या होगा जो भी फूड आइटम्स होगी वो सारी इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो नेशनलाइज करना मतलब सिंपल वर्ड में समझो कि किसी प्राइवेट ओन कंपनी को, जिसे कोई जैसे प्राइवेट ओन कंपनी मतलब रिलायंस कंपनी हो, या ऐसी कोई कंपनी हो जैसे टाटा की कंपनी हो, रतन टाटा की कोई कंपनी हो, जो उस प्राइवेट कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट बोले कि आप ये कंपनी हमें दे दो, तो उसे बोलते हैं नेशनलाइज करना। तो मैं मतलब सोशलिस्ट का सिंपल मतलब ये समझो कि आप इंडिया में जितनी भी चीज़ें वो इंडियन गवर्नमेंट की है, उसमें कोई और कंट्री या कोई और देश कोई और बाहर का आके ये नहीं कह सकता कि ये हमारी है। समझ में आया? मतलब ये रिसोर्सेस हमारे हैं, मतलब ये कोल हमारा है, ये पेट्रोलियम हमारा है, क्योंकि ये हमने ढूंढा था, ऐसा नहीं वो ब्रिटिशर्स ने कई सारे कोल माइंस फाइंड किए थे,
अगर आज ब्रिटिश सर आके ये बोले कि ये हमने फाइन किया था, हमने झूठा था, तो ये हमारा है, इंडियन गवर्नमेंट मना कर देगी, क्योंकि हम सोशलिस्ट है, स्टेट ओनरशिप है हमारी, मतलब यहाँ जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे हैं। समझ में आया? सोवरेन भी समझ में आ गया, सोशलिस्ट भी समझ में आ गया। अब सेक्युलर, सेक्युलर भी 22nd अमेंडमेंट एड के दौरान ऐड किया गया था। अब सेक्युलर का मतलब क्या है कि नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, मतलब कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ स्टेट लिखा गया, यहाँ स्टेट का मतलब ये मत करना कि ये कोई गुजरात है, कोई महाराष्ट्र है, इस तरह का स्टेट नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब होता है इंडियन गवर्नमेंट। मतलब यहाँ ये लिखा गया है कि नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दूसरी कंट्रीज का होता है, जैसे हमारी सऊदी अरेबिया है, या यमन है, या जॉर्डन है, या दूसरी जो कंट्रीज है, यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, वहाँ इस्लामिक को वो लोग ऑफिशियल रिलीजन कहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट और रिलीजन के बीच कोई जात का कनेक्ट, कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब हमारे इंडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट है, और हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे रिलीजन से कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ऑफिशियल रिलीजन। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल रिलीजन दे देने का मतलब ऐसा होगा कि हिंदू हिंदू का अगर मैं ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर देता इंडियन गवर्नमेंट, तो होगा क्या कि हिंदू को ज़्यादा प्रिविलेज मिलेंगे कंपेरेटिव टू मुस्लिम सिख या ईसाई, दूसरे जो पारसी या ऐसे कोई रिलीजन है उसके हिसाब से। तो यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब सारे के सारे रिलीजन एक लेवल पे है। हम नहीं मुस्लिम को आगे, इस्लाम धर्म को आगे ले रहे, ना ही हिंदू धर्म को, दोनों रिलीजन हमारे लिए सेम है। दो नहीं, एक्चुअली बहुत सारे रिलीजन, जैसे बुद्धिस्ट है, जैनिस्ट है, ऐसा कोई रिलीजन नहीं है हमारा। अब मैंने बस इस्लामिक रिलीजन की बात की, लेकिन अगर आप इंडोनेशिया वहाँ जाओ ना, तो वहाँ बुद्धिस्ट रिलीजन ऑफिशियल है। तो ठीक है, ये सेक्युलर मतलब हमारी कंट्री सेक्युलर है, हम किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते, हम किसी एक रिलीजन को ज़्यादा वो क्या कहते इम्पोर्टेंस नहीं देते। समझ में आ गया? अब उसके बाद है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक है। अब डेमोक्रेटिक को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सोशल डेमोक्रेटिक, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब सोशल डेमोक्रेसी मतलब क्या कि रिस्पेक्ट टू द ऑल अदर्स, मतलब हमारी सोसाइटी में सब की रिस्पेक्ट करते हैं हम, सब एक लेवल पे, सब एक एक रिस्पेक्ट टू द ऑल अदर्स, मतलब सोशल डेमोक्रेसी है हमारे देश में। मतलब हम किसी को भी ऐसा नहीं कहते कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। सोशल डेमोक्रेसी मतलब एक सोशल स्ट्रक्चर के मुताबिक हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब हम जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब जो अनइक्वालिटी है, उसे रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब कोई बहुत पैसे वाला है या कोई कम पैसे वाला है, तो वो जो इनइक्वालिटी है उसे हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल बनाती है कि चलो रतन टाटा को इतना प्रिवरेज दे दो कि वो बहुत ऊपर चला जाए, या अंबानी को इतना प्रिवरेज दे दो कि वो बहुत ऊपर चला जाए, या वो इकोनॉमिक बहुत कंडीशन उसकी हाई हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। इंडियन गवर्नमेंट इसके बेस पर काम नहीं कर सकती, ऐसा कोई रूल्स नहीं बना सकती कि अच्छा चलो तुम्हारे लिए ही सब कुछ है, बस रिलायंस रिलायंस ही रिलायंस ही सब कुछ है हमारे लिए, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि जो इनइक्वालिटी है उसे रिड्यूस किया जाए, सबको चांस मिलना चाहिए। मुद्रा लोन, मुद्रा लोन जो दिया गया है वो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है उसे रिड्यूस करने के लिए दिया गया है। छोटे छोटे सेक्टर को, स्मॉल और मीडियम जो सेक्टर है उसे लोन दिया जाता है कि ताकि वो भी बिगर बन सके, वो भी ऊपर आ सके। ओके, सेकंड है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी।
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब कोई भी इंसान पॉलिटिक्स में आ सकता है, बस वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आज अगर मैं चाहता हूँ कि चलो मैं रिलैक्स लड़ना चाहता हूँ तो मैं लड़ सकता हूँ, आई कैन डू इट। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मुझे देता रहा है, मुझे इंडियन का सिटीजन दे कहता है कि तू चाहे तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये होती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। समझ में आया? तो ये डेमोक्रेटिक का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट है रिपब्लिक, लास्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता हैड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय अ पीपल, मतलब हम इलेक्ट कर रहे हैं रिपब्लिक, हम इलेक्ट कर रहे हैं अपने हमारे ऊपर रूल करने वाले को। हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हम इलेक्ट कर रहे हैं, हम उसे सिलेक्ट इलेक्शन इलेक्शन के जरिए इलेक्ट कर रहे हैं और उसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोजीशन पर पहुंचा रहे हैं। कोई ऐसा रूल नहीं है इसमें कि कोई और कंट्री का बंदा आके आपको बोलते हैं कि चलो ये तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, ये तुम्हारा प्रेसिडेंट है। ये रिपब्लिक समझना है ना तो हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा जाना होगा, समझना चाहते हो तो बड़ा आसान है। जैसे ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे तो उस वक्त हमारे देश में होता था वाइसरॉय। वाइसरॉय इलेक्ट नहीं किया जाता था, वो ब्रिटिश से भेजा जाता था। ब्रिटिश की गवर्नमेंट, ब्रिटिश का जो क्राउन है, जो पार्लियामेंट है, वो वाइसरॉय को इंडिया में भेजती थी कि तू वाइसरॉय हो इंडिया के, तुम्हें इंडिया पे रूल करना है, इंडिया के रूल्स को रेगुलेट करना है। उसकी जो मतलब इंडियन पब्लिक का कोई रूल नहीं होता था कि वो अपने ऊपर हेड को मतलब जो वाइसरॉय है उसे सिलेक्ट करे या इलेक्ट करे। अब हम इलेक्ट करें, हम रिपब्लिक है तो इसीलिए रिपब्लिक वर्ड ऐड किया गया कि हम अपने कंट्री के जो हेड है उसे हम इलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट नहीं, इलेक्ट, इलेक्शन के जरिए हम उसे बिठा रहे हैं, सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्शन कर रहे हैं। ओके, अब प्रीएम्बल में जस्टिस की बात की है, मतलब सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, फर्टिलिटी की बात की गई है। फर्टिलिटी, सॉरी यार ये वर्ड मैंने फर्टिलिटी की जगह फर्टिलिटी लिख दिया, सिट, ये पूरा गलत है, सॉरी। ये फर्टिलिटी नहीं है, सॉरी। फर्टिलिटी का मीनिंग बहुत गलत होता है यार, ये कंस्टिट्यूशन में नहीं है, फर्टिलिटी रही, फर्टिनिटी। सॉरी, गलती हो गया, आई एम सो सॉरी। मैंने ये देखा ही नहीं, मैंने ये पढ़ा ही नहीं था एक्चुअली, ये मैंने लिख दिया उसके बाद आई एम जस्ट इग्नोर इट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने जो आर्टिकल दिए हैं, जो आर्टिकल हमने लिए है, वो आर्टिकल हम दूसरे कंट्रीज से लाए हैं। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनाया गया, 2 साल में बनाया गया। ऐसा नहीं था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी उसमें हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने कहा कि चलो सेंटर और स्टेट का रिलेशन बनाना है, ये रिलेशन लगा दो, पार्लियामेंट बनानी है तो पार्लियामेंट में इतनी सीटें होगी, इतना इस तरह प्रीएम सिलेक्ट किया जाएगा, इस तरह प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं था, हमने क्या किया, हमने वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त अवेलेबल थे उस सारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एनालाइज किया, उसे समझा और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने थोड़े थोड़े पॉइंट, मतलब जो हमें लगे कि अच्छा ये अच्छा है पॉइंट, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, तो हमने वो चीज़ वहाँ से उठाई और उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की। आज भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम किया गया था, आज भी ऐसा होता है। अगर हमें लगता है कि चलो ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोई अच्छी चीज़ है, कोई अच्छा रूल्स लाया गया है, तो वो रूल्स हम देखते उसे समझते हैं और उस रूल्स के हिसाब से हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे अमेंड करना या नहीं वो हम आज भी डिसाइड करते हैं। तो हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अब यहाँ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मतलब क्या,
कि इंडिया में पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे। 1947 से कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन वो इंडिपेंडेंट इंडिया का, मतलब जो इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद का कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में बनना स्टार्ट हुआ। उसके पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे, 1935 में बना था, उसके बाद 1990 में बना था, उसके बाद चार्टर एक्ट आया था, देन आफ्टर सबसे पहले 1876 में बना था। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स लाए गए थे। हम आगे देखे थे, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे ना, उसमें हम ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई थी, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री कहाँ से ली गई थी वो हम देखेंगे कि 1835 में क्या, 1858 में कौन से रूल्स लाए गए थे, 1990 में कौन से रूल्स लाए गए थे, 1935 में कौन से रूल्स लाए गए थे, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त कौन से रूल्स लाए गए थे वो भी हम देखेंगे। तकरीबन मैं कहूँ तो 10 अप्रोक्सीमेट है 10 गिन लो जो हमारे रूल्स इंडियन गवर्नमेंट में लाए गए थे। तो गवर्नमेंट एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस यही है। 1935 हमने पहला लिया फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब स्टेट और सेंटर के लिए अलग अलग असेंबली, स्टेट असेंबली अलग, सेंटर असेंबली अलग। हम इस पर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस थोड़ा आसानी से समझ लो, है ना। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सेंटर के लिए अलग गवर्नमेंट और स्टेट के लिए अलग गवर्नमेंट। उसके इलेक्शन भी अलग होते हैं, उसके हेड भी अलग होते हैं, लेकिन सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मतलब सेंटर हमेशा राइट में रहेगा, वो हमेशा पावर में रहेगा, सेंटर हमेशा पावर में रहेगा। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन की बात की गई। सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसा है कि कुछ हमारे जो रूल्स है रेगुलेशन वो सेंटर बना सकते हैं, वो स्टेट नहीं बना सकते। मतलब अगर CAA Act सेंटर ने बना तो स्टेट ये नहीं कह सकती कि ये रूल्स हमारे स्टेट पे नहीं लगेगा, हमारे स्टेट पे वो लगेगा ही लगेगा। गुजरात पे लगने वाला ही है, महाराष्ट्र पे लगने वाला है, CAA लगने वाला ही है, सेंटर ने बनाया है, कोई स्टेट ने नहीं बनाया है। ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 था। उसके बाद हमारा अमेरिका से कौन सा चीज़ लिया गया, तो प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट लिया गया। या वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्रीएम्बल कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने, प्रीएम्बल नहीं लिखा है। मतलब सीधा सीधा अमेरिका से प्रीएम्बल नहीं उठाया गया, वहाँ जो प्रीएम्बल था उसका कॉन्सेप्ट हमने उठाया, समझ में आया। उसके बाद हमने प्रेसिडेंट उठाया, मतलब प्रेसिडेंट हमारे देश का प्रेसिडेंट हमने किस तरह से उसका इलेक्शन किया जाता है, किस तरह से उसे प्रेसिडेंट का जो रेगुलेशन वो हमने वहाँ से लिया। अब आप बताओ अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर है, नहीं है, वहाँ प्रेसिडेंट है। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर है, हाँ है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वहाँ प्रेसिडेंट नहीं है। अब समझो USA में प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट है। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट नहीं है। इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर भी और प्रेसिडेंट भी है, दोनों है। मतलब हमने क्या किया कि USA से भले हमने ऐसे प्रेसिडेंट का जो उठा लिया, लेकिन हमने उसे अपने हिसाब से, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसे एडॉप्ट भी किया है। उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूल्स या कोई अपना जो क्या बोलते अपना कोई रूल्स ले दिया, मतलब कोई फाइनल डिसीजन सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद अगर कोई आगे आता कहता है कि हमें इस पे जुडिशियल रिव्यू करवाना है, तो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करना पड़ता है। जुडिशियल रिव्यू में ये नहीं होता कि वापस से पूरी हियरिंग होती है। जुडिशियल रिव्यू में होता यह है कि पहले से जो हियरिंग चल रही थी वो सारे हियरिंग को रिव्यू किया जाता है, 3-4 दूसरे जज बैठे और उसे रिव्यू करते हैं। उसके बाद उसे लगता है कि अच्छा ये गलत था, तो वापस से उस पर केस किया जा सकता है, मतलब वो हियरिंग वापस से पूरी की जा सकती है। तो ये जुडिशियल रिव्यू है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट। हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से फंडामेंटल राइट उठाए। अब हमने सारे के सारे नहीं उठाए, यहाँ सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट उठाया फंडामेंटल राइट का,
अब यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं, हमने फंडामेंटल राइट ही उठाए सीधे के सीधे वहाँ से जो थे वो, लेकिन उसके उस हिसाब से उसे चेंजेस किया जो हमारे इंडिया के लिए जरूरी था। मतलब वहाँ अगर कोई फंडामेंटल राइट था, हम फंडामेंटल राइट समझेंगे जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है, हम नो डिस्क्रिमिनेट अगर सेक्स रेज कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ, तो इस हिसाब से हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो वो फंडामेंटल राइट सीधा के सीधा अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन उठाया गया है। लेकिन उस पर चेंजेस भी किए गए हैं कंपेयर टू हमारे इंडियन इंडिया की कल्चर में क्या था उस हिसाब से। मतलब प्लेस ऑफ बर्थ अगर हमें ला रहा है तो वो अमेरिका में नहीं है प्लेस ऑफ बर्थ। कास्ट और रिलीजन सिस्टम हमें है लेकिन इंडिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं है। समझ में आया? प्रोसेस ऑफ इम्पैचमेंट, प्रोसेस ऑफ इम्पैचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस जिसे कहा जाता है। अगर हम प्रेसिडेंट वहाँ से लेके आते हैं तो इम्पैचमेंट की प्रोसेस भी हम लेके आ सकते हैं। उसके बाद है पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेटिव मतलब PIL। PIL क्या है कि पब्लिक अगर चाहे तो कोई केस अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकती है। कोई रूल्स बनाया है गवर्नमेंट ने, पब्लिक को लगता है उसके ऊपर केस बनाया है तो चलो करो केस, पब्लिक कर सकती है केस। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि केशव भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केशव चंद्र भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मतलब केशव चंद्र भारती ने केरला पे केस किया है, केरला स्टेट पे केस किया है, तो ये PIL के अंदर होता है। समझ में आया? अभी हाल ही में आई थिंक एक दो महीने पहले हमें जो LGBT कम्युनिटी की बात करते हैं, LGBT कम्युनिटी को लीगल किया गया, वो भी PIL के जरिए किया गया है। एक NGO है जिसने PIL दाखिल की थी, PIL की थी कोर्ट के अंदर इस LGBT कम्युनिटी को लीगलाइज करने के लिए, उसे रिस्पेक्ट देने के लिए। LGBT कम्युनिटी समझते हो मैं, LGBT कम्युनिटी मतलब लेस्बियन बाइसेक्सुअल गे या ट्रांसजेंडर, इस तरह की कम्युनिटी को लीगलाइज करने के लिए PIL दाखिल की गई। एक NGO थी, NGO का नाम मुझे याद नहीं, उस NGO ने PIL दायर की थी और उस PIL के चले इस LGBT कम्युनिटी को रिस्पेक्ट दी जाती है, अब वो लीगलाइज है। कुछ गलत नहीं है इस LGBT कम्युनिटी में यार, अपने अपनी चॉइस है यार, सिंपल समझो। आप ही सोचो, मैं एक्चुअली स्ट्रेट हूँ, मैं LGBT कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, स्ट्रेट हूँ लेकिन उन लोगों के लिए एक रिस्पेक्ट है मेरे पास मेरे। अब ये समझो, आपको अगर सब्जी के मार्केट जाते हो, आपको सब्जी खानी कौन सी पसंद है, आपको पनीर पसंद है तो आप पनीर खाते हो, लेकिन आपके दोस्त है उसे पनीर पसंद नहीं है, उसे लगता है कि पनीर यार इज वेस्ट। चलो पनीर छोड़ो, पनीर तो छोड़ो, चलो हम बात करते हैं नॉनवेज की, नॉनवेज की बात करते हैं। एक बंदा है जो नॉनवेज खाता है पूरा दिन वो नॉनवेज खाता है, और आप है कि नॉनवेज खाते ही नहीं, तो वो अपनी चॉइस हुई ना वो दोनों चीजें। उसी तरह से LGBT कम्युनिटी की अपनी चॉइस है, समझ में आया? और गवर्नमेंट ने इसे लीगल इसलिए किया क्योंकि ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे थे। वो हम बात करके कौन से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे थे कि उसे डैमेज कर रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR। USSR मतलब रसिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोशल रसिया, ना यार इसका नाम मैं भूल गया, रसिया की बात करें USSR से। USSR से दी गया फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज हम पे लगती है, गवर्नमेंट पे नहीं, हमारी ड्यूटीज है फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए ना तो गवर्नमेंट ने हमें ड्यूटीज भी दी है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज पे भी बात करेंगे। 5-year plan, अब तो वो 5-year plan चला गया, उसकी जगह आ गया नीति आयोग, उस पर भी हम डिटेल करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, आयरलैंड से दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट को पॉलिसी किस तरह बनानी चाहिए उसके डायरेक्शन दिए गए, प्रिंसिपल्स दिए गए स्टेट पॉलिसीज के। उसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ देखिए
हमने प्रेसिडेंट उठाया यूएसए से, लेकिन उसका इलेक्शन हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, उसका इलेक्शन आयरलैंड से लिया गया समझो। उसके बाद ब्रिटिश से मल्टी जूरिस्ट लिया गया, मल्टी जूरिस्ट मतलब एक साथ पांच जज बैठे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस हिसाब पांच या तीन जज बैठे और वो आपका जजिंग सुना दे। उसके बाद नेक्स्ट है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो कैबिनेट गवर्नमेंट बनाती है वो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से गवर्नर लिया गया। गवर्नर क्या होता है, गवर्नर मतलब गुजराती में कहो तो राज्यपाल, गवर्नर लिया गया। रेसिडुअल पावर ली गई है, प्रिविलेज ऑफ एमपी एंड एमएलएस लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद ए जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, इसके बारे में बात करेंगे जब हम अमेंडमेंट की बात करें, जब हम बात करेंगे जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है। दो पार्लियामेंट है हमारी, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों की जॉइंट सिटिंग होती है, कब होती है, किस तरह होती है, कौन करवाता है, वो सब डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से लिया गया इमरजेंसी प्रोविजन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट फंडिंग मतलब स्टेट को किस तरह से फंडिंग की जानी चाहिए, मतलब यूनियन अगर फंडिंग करना चाहे तो कैसे फंडिंग की जा सकती है स्टेट को। यहाँ स्टेट का मीनिंग होता है मतलब हमारे गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान जैसे स्टेट की बात की गई है। इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया मतलब इमरजेंसी प्रोविजन है, मतलब नेशनल इमरजेंसी के बात की जा रही है, उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। तो इस तरह के इमरजेंसी के प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से हमने लिया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह अमेंडमेंट किया जाता है वो हमने साउथ अफ्रीका से उठाया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूजीलैंड, वो वोटिंग राइट हमने वुमन न्यूजीलैंड से हमने वुमन वोटिंग राइट उठाया। अब ये वोटिंग राइट वुमन को इंडिया में दिया गया था लेकिन सबसे पहले न्यूजीलैंड में दिया गया था, उसके बाद हमने वोटिंग राइट फॉर वुमन इंडिया में लिया गया था। ओके, तो ये सारे सोर्सेस है, पीपीडी ठीक से पढ़ लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा, कुछ नहीं है, सिंपल है, बस आपको वर्ड्स याद रखने हैं। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अब नेक्स्ट हमारा होगा हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, आई थिंक टाइम जाएगा क्योंकि इसमें मैंने बोला ना 10 रूल्स है, 10 एक्ट है ऐसे, हाँ मतलब एक पूरा पार्ट टू सिर्फ हिस्ट्री में जाएगा। उसके बाद हम सिटीजनशिप है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स में तो बहुत सारे चैप्टर जाने वाले हैं। चलो तो नेक्स्ट मिलते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बिलीव इन योर सेल्फ यू विल बी अनस्टॉपेबल, मोटिवेशन ये मैं एवरी वीडियो के जरिए लास्ट स्लाइड डालने वाला हूँ जिसमें ये इसी तरह का एक मोटिवेशन कोट होगा और आपको शायद बीजीएम म्यूजिक सुनाई दिया होगा, साउथ इंडिया का बीजीएम म्यूजिक है, तो थोड़ा मोटिवेट रहिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। चलिए तो नेक्स्ट मिल गए